स्केफॉइड फ्रैक्चर एक ऐसा फ्रैक्चर है जो बहुत कॉमन है और बहुत बार मिस हो जाता है, या बहुत बार पेशेंट्स ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि छोटी सी हड्डी है, क्या फ़र्क पड़ता है, इस टाइप का भी एटीट्यूड रहता है। स्केफॉइड, ये रिस्ट के मॉडल में आपको दिखाता हूँ, ये रेडियस बोन है जो कलाई में अंगूठे की तरफ दिया, अल्ना बोन है। इस रिस्ट को अंगूठे के साथ कनेक्ट करने के लिए, ये अंगूठे का हिस्सा है, यहाँ पे हड्डी रहती है, इसको स्केफॉइड बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो स्केफॉइड की बोन है ये इस एरिया में है और ये इसको थंब के साथ जोड़ती है। स्केफॉइड कोई बहुत इंपॉर्टेंट बोन है, इससे थंब का पूरा रोटेशन मोमेंट कंट्रोल होता है। ये वाली बोन स्केफॉइड है, अगर ये बोन का फ्रैक्चर हो जाता है तो आपको बहुत दिक्कत आएगी। ये बोन का फ्रैक्चर अगर बीच से होता है या नहीं हिला हो या दूर से हो तो इसमें प्लास्टर लगता है, नहीं तो इसमें सर्जरी भी लग सकती है। सीटी स्कैन जनरली इस फ्रैक्चर में लगता है। अपने डॉक्टर से इसमें सलाह लें, क्योंकि अगर इसमें बहुत दिन तक ध्यान ना दें जिसमें रोटेशन मोमेंट थंब की नहीं हो पाती है या वो जगह में गैप बन जाता है, इसको नॉन यूनियन एंड कोलैप्स बोलते हैं, फिर इसकी सर्जरी बहुत कठिन आती है। इसमें ज़्यादातर मरीजों को सर्जरी नहीं लगती है। 15 से 20% पेशेंट्स जिनका फ्रैक्चर कलाई की तरफ हो, प्रॉक्सिमल एरिया में हो, या बीच से टूटा या हिल गया, उन्हीं मरीजों को इसमें सर्जरी की राय दी जाती है। नहीं तो ज़्यादातर पेशेंट्स में इसमें स्लैब या प्लस्तर ही लगता है, और लेकिन प्लस्तर थोड़ा लंबा लगता है, 5 से 6 हफ्ते तक का। तो अगर आपको स्केफॉइड फ्रैक्चर है तो मैं चाहूँगा आप डॉक्टर की सलाह को माने, अगर उन्होंने सीटी की सलाह दी सीटी कराइए, सर्जरी की सलाह दी तो सर्जरी कराइए, इसको छोटे पुन समझ के नेगलेक्ट मत करिए। धन्यवाद।